हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो फुल फॉर्म यूज किए जाते हैं उसका क्या मतलब है, और जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं फुल फॉर्म हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके बारे में हम फुल डिटेल्स आपको बताएंगे फुल फॉर्म विद एक्सप्लेन के साथ। अगर मान लीजिए वीएवी है तो वेरिएबल एयर वॉल्यूम, इसका क्या काम है, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको जो है फुल फॉर्म का अच्छा से एक्सप्लेन मालूम चल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देखें, वॉच करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है एचवीएसी, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। ठीक है, कभी कभी इसमें जो है आर लग जाता है, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन एचवीएसी एंड आर रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो इसका क्या काम है हीटिंग? आप लोग जब एचवीएसी फील्ड में है तो आप लोग को मालूम होगा, बहुत सारा लोगों को, कि एचवीएसी मतलब ए से हो गया हीटिंग, और बी से हो गया वेंटिलेशन, और एसी से हो गया एयर कंडीशनिंग। मतलब ये सिस्टम में हीटिंग का भी प्रोसेस होता है, वेंटिलेशन का भी प्रोसेस किया जाता है, और एयर कंडीशनिंग मतलब कूलिंग का भी काम किया जाता है। ठीक है, और रेफ्रिजरेशन जो लग जाता है, एचवीएसी एंड आर जो लगता है लास्ट में, रेफ्रिजरेशन मतलब कि जितना भी हमारा माइनस का टेम्परेचर होता है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, फ्रीजर वगैरह और फ्रिज वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो हमारा रेफ्रिजरेशन में आ जाता है। तो सब ये सब हमारा एसी फील्ड में ही आता है। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं पीपीएम। आप सुने होंगे कि पीपीएम कभी कभी क्लाइंट जो है क्वेश्चंस करता है जब आता है इंटरव्यू लेने के लिए कि पीपीएम क्या है, वीएवी क्या है, सीएफएम क्या है, इसके बारे में आप बताएं। तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप वीडियो को देखेंगे तो, क्योंकि ये पीपीएम तो मेरे से खुद क्वेश्चंस किया गया था जब हम इंटरव्यू दे रहे थे एक बार, तो हमसे पीपीएम के बारे में पूछा गया था। तो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा साइड पे इक्विपमेंट लगाए हुए रहते हैं ना, जैसे कि स्प्लिट एसी है, पैकेज है, चिलर है, पंप है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट साइड पे रहते हैं, तो वो सबका एक पीपीएम टाइमिंग होता है, मतलब मंथली पीपीएम करने के लिए। किसी का मंथली होता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और फिर मंथली पीपीएम का उसका ही ईयरली शेड्यूल चेक आता है। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट जो है उसमें काम का ये मेंशन किया रहता है क्या क्या चेक करना है। पीपीएम पर एक हम पूरा वीडियो बनाएंगे कि कौन सा यूनिट में क्या क्या चेक करते हैं और कितना कितना दिन में पीपीएम करना होता है, तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे एक अलग स्पेशल आपका वीडियो चलेगा। ऑलमोस्ट सब पे भी एक एक वीडियो ऑलरेडी कुछ है, सीएफएम पे है, वीएवी पे, वीएफडी पे है। ठीक है, वीएफडी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये जो है हमारा खास करके बीएमएस का पार्ट हो जाता है, बीएमएस में यूज किया जाता है, ये भी एचवीएसी इक्विपमेंट में कहलाता है। ठीक है, वीएफडी हो गया ये, इसका एचयू का मोटर वगैरह हो गया, या पंप का मोटर, पंप जो होता है ना, उसको कनेक्शन जो है वीएफडी से किया जाता है, और उसका स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये वीएफडी का मतलब हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं वीएवी, वेरिएबल एयर वॉल्यूम। तो वेरिएबल एयर वॉल्यूम ये जो है हमारा एचयू का सप्लाई एयर डक्ट में लगता है। ठीक है, जैसे कि अभी एक रूम है कहीं पे, अब मतलब एक एचयू से पांच रूम में कनेक्शन किया हुआ है, सप्लाई पांच रूम में जा रहा है, तो पांचों रूम का टेम्परेचर का अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा। किसी में 20 डिग्री चाहिए, किसी में 25 डिग्री चाहिए, किसी में 28 चाहिए, किसी में 19 चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए। तो हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे, एचयू से तो सप्लाई एक ही जाएगा, तो वहां पे उसका सप्लाई एयर डक्ट में जिस लोकेशन में डालना है, मतलब उस एरिया में वीएवी को लगाया जाता है, और वो जो है एयर के वॉल्यूम को कम करता है, उसके जरिए रूम का टेम्परेचर भी इफेक्ट होता है, तो वहां पे मेंटेन किया जाता है वीएवी के जरिए। ठीक है, तो वीएवी का वो काम है। सीएफएम क्यूबिक फीट पर मिनट, इस पर तो मेरा एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, एचयू का जैसे हम लोग टनेज पता करने के लिए कि एचयू कितना टन का है या कितना क्वांटिटी का यह सीएफएम है, तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में सीएफएम बोलते हैं, क्यूबिक फुट पर मिनट। ठीक है, सीएफएम का फुल फॉर्म हो गया। जीपीएम का फुल फॉर्म हो गया गैलन पर मिनट। ठीक है, इसका क्या जीपीएम क्या है, इस पे हम वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन हम बहुत जल्द करेंगे। जैसे कि अभी मान लो 2 टन का एचयू लगा हुआ है, 2 टन का एचयू लगाए हैं, चाहे 10 टन का एचयू लगा हुआ है, तो उसको पानी का रिक्वायरमेंट कितना है, कितना गैलन पर मिनट उसको भेजना होगा, कितना साइज का पाइप लगेगा,
उसका जो है जीपीएम के जरिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो साइड पे आपको ऑलमोस्ट चाहे आप इन बिटवीन फील्ड में काम करेंगे ना, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारा कुछ नाम बोला जाएगा। अभी गैलन पर मिनट करके कोई नहीं ना आपसे बोलेगा गैलन पर मिनट कितना है, सीधा बोलेगा ये एचयू का जीपीएम कितना है। ठीक है, उसी तरह से वीएवी के बारे में बोलेगा कि वीएवी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो पूरा नहीं बोलेगा, वेरिएबल एयर वॉल्यूम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए हमको शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म मालूम होना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वीसीडी है, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर ये जो है हमारा, ये भी सप्लाई में लगाया जाता है, ये रिटर्न में भी लगाया जाता है। जैसे एयर के वॉल्यूम को ये कंट्रोल करता है, ये मैनुअली हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। जैसे कि एचयू में देखे होंगे जहां पे रिटर्न डक्ट जो आता है ना, तो वहां पर एक वीसीडी लगाया जाता है कि ज्यादा फोर्सली एयर जो है एचयू के अंदर एंटर ना करें, इसलिए उसको कंट्रोल करते हैं हम लोग वीसीडी के जरिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट एयर हमको चाहिए, एक कंट्रोल कर देते हैं। और फिर एक सीएवी बोलते हैं, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम भी बोलते हैं, सीएवी भी एक मतलब इसी का ऐसा ही सेम वर्क करता है, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। और ये जो है सप्लाई में भी कहीं डिफ्यूजर वगैरह में हम लोग फिट करते हैं, जैसे जहां पे ऑटो सिस्टम में ऑपरेट नहीं हो रहा है, जहां पे वीएवी नहीं लगा हुआ है, वहां पर वीसीडी को लगा करके और एक सेट करते हैं कि 50% ओपन, 30% ओपन, 70% ओपन, 75%, वो हम लोग उसमें नंबरिंग रहता है, उसको कंट्रोल करते हैं और सेट कर देते हैं। ये हो गया वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। एसएसपीएस क्या है, सॉलिड स्टेट प्रोटेक्शन सिस्टम। ये हमारा जो कंप्रेसर का इंटरनल एरिया में लगाया जाता है, इसके अंदर सभी कंट्रोल सप्लाई डालते हैं, और कंट्रोल सप्लाई डालने के बाद इसके अंदर है जैसे कि थर्मल प्रोटेक्शन का, हीटर का, ऑयल सेंसर का, इस तरह का जो भी होता है इसके अंदर कंट्रोल सप्लाई डालते हैं। फेज वगैरह अगर चेंजेस कुछ प्रॉब्लम होता है वो भी इसके अंदर रहता है। ये आपको चिलर वगैरह में, मोस्टली पैकेज वगैरह में जो है कंप्रेसर के पास देखने को मिलेगा एसएसपीएस। ठीक है, डीपीटी डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। ठीक है, ये हमारा, ये भी बीएमएस का ही पार्ट है देखा जाए तो। ये हमारा यूज होता है जैसे पंप जो होता है ना, पंप का इन और आउट का प्रेशर को डिफरेंस मैनेज करने के लिए वहां पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये सब पर आपको एक एक अलग से टॉपिक में बनाया जाएगा वीडियो, और ऑलरेडी बहुत सारा पे बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। एफपीएस फीट पर सेकेंड, ये भी पानी के लाइन को मतलब हम लोग कैलकुलेशन ये करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए फीट पर सेकेंड में हम लोग ये करते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया एफपीएस का फीट पर सेकेंड। डीआरवी डबल रेगुलेटिंग वाल्व, डीआरवी का फुल फॉर्म होता है डबल रेगुलेटिंग वाल्व। ये हमारा एचयू हो गया, एफसीयू हो गया, बाकी जहां पे आउटलेट जहां पे रहता है यूज कंडेंसर का आउटलेट हो गया, वहां पे डीआरवी लगाया जाता है। ठीक है, या कि पानी को कितना मतलब कॉन्स्टेंट में पानी को फ्लो कराना है, इस डीआरवी के जरिए हम लोग कंट्रोल करते हैं, डीआरवी डबल रेगुलेटिंग वाल्व। एक होता है एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व का क्या काम है, मैं लिखा नहीं, मैं भूल गया। एनआरवी का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व, वो जो है उसको बोला जाता है, सिंपल बात है, वन वे वाल्व। मतलब कि वो एक साइड से पानी उसमें चाहे जो भी चीज है गैस है, एक साइड से जाएगा और दूसरे साइड से वापस नहीं आएगा। जिसे मतलब ये इधर से थ्रो कर रहा है ना, तो उसका प्लंजर ऐसे हट जाता है और ये इधर से फ्लो होगा, अब उधर से जब आने की कोशिश करेगा तो ये रोक लेगा। तो कभी भी एनआरवी को डिस्चार्ज लाइन में लगाया जाता है, जैसे पंप है, पंप का डिस्चार्ज में एनआरवी को इंस्टॉल करता है कि जैसे अगर पंप आप बंद करते हैं, तो बंद करते हैं तो पानी का लोड रहता है, मोटा पाइप रहता है, तो पानी एक बार मोटर का कूलर वगैरह पे जाएगा तो टूट सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आएगा। इसके लेकर के क्या होता है कि उसको जो है एनआरवी जो है पानी को रोक लेता है और आपका पंप पे जो है लोड नहीं जाता है। तो यही था आज का वीडियो, आप लोगों को डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हम जरूर लाइक करें, और कमेंट में आप क्या चीज जानना चाहते हैं उसके बारे में लिखें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग बताएं। आप लोगों के लिए हम इस तरह से और भी वीडियो लाते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे, और जो आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो, और आप लोग जिस चीज में जानना चाहें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम उसमें बताने का। चलिए, आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में दूसरे वीडियो के साथ।